लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश, कांग्रेस ने किया विरोध। अधीर रंजन चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश। दिल्ली सेवा बिल पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, सरकार के पास बिल लाने का अधिकार, विरोध राजनीतिक। दिल्ली सेवा बिल का समर्थन करेगा बीजेडी, अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। विपक्ष के तर्क निराधार, बिल को लेकर कर रहा है गुमराह, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से संसद में बहस, 10 अगस्त को संसद में जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होंगे गृहमंत्री, 8 या 9 अगस्त को मणिपुर पर विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम के पास दूसरे राज्यों में जाने का समय, मणिपुर पर बोलने के लिए संसद नहीं आ सकते। मणिपुर का दौरा करने वाले 21 सांसदों के डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी नेता, कल सुबह 11:30 बजे होगी मुलाकात। मणिपुर पर अब 7 अगस्त को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को मौजूद रहने के लिए कहा। मणिपुर को लेकर लालू यादव ने पीएम को घेरा, कहा वो दोषी, इसीलिए संसद में सामना करने में असमर्थ। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत, जाति जनगणना रहेगी जारी, रोक लगाने वाली सभी याचिकाएं खारिज। बिहार में फिर से होगा जाति आधारित सर्वे, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने जारी किया आदेश। पटना हाईकोर्ट के फैसले का आरजेडी ने किया स्वागत, लालू प्रसाद यादव बोले कोर्ट के फैसले गरीबों का विकास होगा। जाति जनगणना को हरी झंडी मिलने पर बीजेपी का निशाना, कहा राज्य को जाति उन्माद की तरफ ले जा रही है सरकार। हिंसा के बाद हरियाणा के नूह में कर्फ्यू, 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद, गुरुग्राम समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू। नूह में अर्धसैनिक बल की 20 कंपनियां तैनात। हिंसा के बाद एसटीएफ और पुलिस का एक्शन शुरू, दंगाइयों की पहचान कर उनके ठिकानों पर रेड कर रहे हैं। नूह हिंसा पर सीएम खट्टर ने हाई लेवल मीटिंग की, कहा साजिश के तहत हमला किया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा किसी भी उपद्रवी को नहीं बख्शा जाएगा, अब तक 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। नूह हिंसा के विरोध में कल बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन, सुरेंद्र जैन बोले मेवात को नहीं बनने देंगे हिंदुस्तान, हिंदुओं का कब्रिस्तान। नूह हिंसा को लेकर सुरेंद्र जैन का दावा, वीएचपी की यात्रा पर मोर्टार गोलियों और पत्थर से हुआ हमला, यात्रा में शामिल बसें और कारें जलाई गई। नूह हिंसा में घायल चश्मदीद दिनेश का बयान, यात्रा को आगे जाने से रोका, हमारी बसों के शीशे तोड़े, उसमें आग लगाई, सोशल मीडिया की वजह से भड़की हिंसा। नूह एसपी नरेंद्र सिंह का बयान, 100 से ज्यादा गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। हरियाणा में तनाव के बीच राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा बीजेपी ने देश में नफरत का केरोसिन फेंका, सिर्फ मोहब्बत ही आग बुझा सकती है। नूह हिंसा पर बोले बागेश्वर बाबा, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर संपत्ति की जाए जब्त। पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। एनसीबी में टूट के बाद पहली बार एक साथ नजर आए मोदी और शरद पवार। पीएम मोदी ने कहा अवार्ड मिलना सौभाग्य की बात, पुरस्कार मिलने से बढ़ जाती है जिम्मेदारी। पीएम के सामने शरद पवार का निशाना, कहा देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज ने की थी। मोदी पवार के मंच साझा करने पर ओवैसी का तंज, एक तरफ मणिपुर पर विरोध, दूसरी तरफ मंच साझा कर रहे हैं। माफिया अतीक के वकील विजय मिश्रा की कस्टडी लेने की तैयारी में प्रयागराज पुलिस, जिला कोर्ट में दाखिल करेगी याचिका। अशरफ की पत्नी जैनब के संपर्क में था विजय मिश्रा, व्हाट्सएप पर लगातार कर रहा था चैटिंग। पुलिस और एटीएस को मिले अहम सबूत, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल विक्रम बराड़ पटियाला हाउस कोर्ट में पेश, एनआईए को 3 दिन की मिली कस्टडी। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अलकायदा के 3 संदिग्ध राजकोट से गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तीनों। यूपी एटीएस ने लखनऊ से एक शख्स को पकड़ा, आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप। सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत हमीरपुर के मेधावी छात्रों ने संसद भवन का दौरा किया, संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले स्कूली बच्चे, साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई। पंजाब के गवर्नर ने सीएम भगवंत मान को लिखा खत, कहा आप और आपका ऑफिस सभी सवालों का जवाब देंगे। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पेपर लीक, महिला अत्याचार और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन। बीजेपी के प्रोटेस्ट पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार, उंगली उठाने से पहले पिछले 9 साल की उपलब्धियां गिनाए बीजेपी। जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में फायरिंग का मामला, आरोपी चेतन सिंह 7 अगस्त तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जयपुर ट्रेन फायरिंग केस की हाई लेवल कमेटी करेगी जांच, आरपीएफ के एडीजी होंगे अध्यक्ष। थाने के शाहपुर हादसे में मरने वालों की संख्या 20 हुई, गर्डल लॉन्चिंग मशीन गिरने से हुआ था हादसा। शाहपुर हादसे पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, जांच रिपोर्ट पर सरकार करेगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में एनआईए और सीआईए का एक्शन, टेरर फंडिंग मामले में पुलवामा समेत कई जगहों पर रेड। भारत से बातचीत के लिए तैयार है पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ बोले युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका तालिबान की मीटिंग, अफगानिस्तान की इकॉनमी और ह्यूमन राइट्स पर चर्चा। 2000 के 88% नोट बैंकों में वापस जमा हुए, आरबीआई ने दी जानकारी। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 68 और निफ्टी 20 पॉइंट्स लुढ़का। रुपए में 4 पैसे की मामूली बढ़ोतरी, $1 $82.25 पर रहा। जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़कर 1.65 लाख करोड़ के पार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। और सेंसर बोर्ड ने ओ माई गॉड 2 ट्रेलर को दी हरी झंडी, 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म।